अमेठी के गोरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने नगरपालिका के कर्मचारियों के साथ मिलकर पूरे गोरीगंज मार्केट और कस्बों को सैनिटाइज किया। इसी के साथ सपा विधायक द्वारा गोरीगंज विधानसभा में आने वाले सभी गांवों को ग्राम प्रधान और पंचायत स्तर के कर्मचारियों के साथ मिलकर पूरी विधानसभा के एक एक गाँव को सैनिटाइज कराया गया। सपा विधायक ने कहा कि अमेठी में कोरोना महामारी के दौरान जिले की मीडिया और पुलिस प्रशासन के लिए 2-2 लाख रुपए अमेठी के मुख्य विकास अधिकारी को पत्र भी जारी किया गया है। साथ ही कहा कि पत्रकारों और पुलिस के लिए मात्र सैनिटाइजर के साथ साथ अन्य जरूरी उपकरण भी मुहैया कराया जाएगा। इस दौरान सपा विधायक ने मौके पर मौजूद पत्रकारों को मास्क और सैनिटाइजर भी दिया। वहीं गोरीगंज कस्बे के फायर विभाग की गाड़ियों द्वारा पूरे कस्बे, पुलिस बूथ और कस्बे की मार्केट को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। लॉकडाउन के दूसरे दिन से ही अमेठी में जरूरतमंदों को भोजन देना, पहुंचाना वहां तक, और कल से ही पूरी विधानसभा को सैनिटाइज करने का संकल्प लिया गया, जिसका कार्यक्रम कल से जारी कर दिया गया है। लॉकडाउन के नियमों का पूरा पालन करते हुए अमेठी जनपद में कोरोना से कोई प्रभावित ना होने पावे, कोरोना से कोई मौत ना होने पावे, ऐसा हम और हमारे साथियों ने संकल्प लिया है। रात दिन सब लोग काम कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन के जो नियम है उसका पालन होते हुए प्रयास है कि हर घर को गौरीगंज विधानसभा के सैनिटाइज किया जाए, छोटे से बड़े मोहल्ले, कस्बे, सबको सैनिटाइज किया जाए।